हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फाइनली किया सेल्टोस नई वाली की प्राइसिंग सामने आ गई है। तो सेल्टोस प्राइसिंग सारा ओपिनियन देने वाला हूँ, एक एक वेरिएंट के मैं बताऊँगा क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और साथ में किस प्राइस पर उस वेरिएंट को लॉन्च किया गया। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और प्राइस चेक करना हैरान होने वाले हो आप, बिकॉज यूजली गाड़ियों के प्राइस बढ़ते हैं, नहीं बढ़े हैं, गाड़ियों के प्राइस कम हुए हैं ना। ये इतना शॉकिंग लगता है ना कि गाड़ी नई लॉन्च हुई है और पहले वाली से प्राइस उसका कम है, ये बहुत रेयर होता है। लास्ट टाइम मुझे याद है एमजी हेक्टर में ऐसा हुआ था, उसके कुछ वेरिएंट्स में जब आया था। बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द किया सेल्टोस हियर। एंड बेस वेरिएंट की बात करें तो सेम प्राइस फॉर द पेट्रोल, यानी कि 10.89 लाख एक्स शोरूम प्राइस है और फीचर्स एडिशन ऐड हो गए हैं ऑफकोर्स पहले वाले के कंपैरेटिवली, और इसके बावजूद कंपनी ने प्राइस नहीं इंक्रीज़ किया। सो सबसे पहले HTE की बात कर लेते हैं। 1.5 मैनुअल पेट्रोल अगर आप लेते हो, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, ABS, CVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको स्टैंडर्ड मिलती हैं, यानी कि बेस मॉडल से मिलनी शुरू हो जाती है। हाई लाइन टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, फुली डिजिटल, आपको 4.2 इंचेस का क्लस्टर मिल जाएगा। रियर में सनशेड है, हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, शार्क फिन एंटीना, सारे फीचर्स आपके लिए यहाँ पर लगाया। तो इनफैक्ट रियर AC इवेंट्स तक प्रोवाइडेड है। ड्राइवर की जो सीट है हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है और साथ में हेडलैम्प स्कॉट का फंक्शन, ऑल फोर पावर विंडोज, टाइप सी USB पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं और माइलेज बढ़ाने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी भी आपको बेस मॉडल में मिलती है, उसकी वजह से माइलेज आपकी बढ़ जाती है, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। अच्छी चीज़ ये आ जाती है कि प्राइसिंग में कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया, अभी भी ये 10.89 लाख के शोरूम प्राइस पर अवेलेबल है। दैट्स अ वेरी अमेजिंग प्राइस। तो बेस मॉडल लेने का सोच रहे हो तो बहुत जल्दी इसे अपना बना लो, बुकिंग नहीं करवाई तो जल्दी करवा लो। बात करते हैं अगले वेरिएंट में, HTE IMT डीजल में। अब कमाल की बात देखो, पहले आती थी 12.39 पे, हमने एक्सपेक्ट किया 12.5 लाख हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, 11.99 हो गई, 40,000 सस्ती हो गई डीजल। वाओ, ये कंपनी चाहती है कि हम जो डीजल इंजन बना रहे हैं ना उसको भी परचेज करो, ज़्यादा लोग परचेज करें, इसीलिए उन्होंने 40,000 प्राइस को कर दिया कम। बहुत सही प्राइस रखी है। बेस मॉडल अगर आप डीजल लेना चाहते हो तो आप 11.99 IMT वाला, जिसमें क्लच नहीं है, वो ले सकते हो। IMT का ड्राइवर रिव्यू किया, चेकआउट करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बात करें IMT की प्राइसिंग में डीजल में, तो मुझे अच्छा लगा कि प्राइस पेट्रोल के कंपैरेटिवली थोड़ा ही फ़र्क है, 1,10,000 का डिफरेंस है, जिसमें आपको डीजल की माइलेज IMT यानी कि बिना क्लच के ड्राइव और डीजल की टॉर्क भी मिल जाती है। बस वो इंजन लाइफ जो अलग अलग स्टेट्स में उसका ध्यान रख लें, उसके अलावा डीजल वुड बी अ बेटर पिक हियर। फीचर्स मैंने बता चुका आपको कौन से मिल जाते हैं, बट ध्यान रखिए इसमें कलर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाइट और सिल्वर की ऑप्शन ही मिलेगी। बात करते हैं HTK की प्राइस की, यानी कि पेट्रोल में अगर बात करो तो सिर्फ 9,000 रुपीज़ का डिफरेंस हुआ है और डीजल की स्पेसिफिकली बात करें तो 10,000 सस्ता हो गया है। हाईवे पे है तो ऐसे हॉर्न तो आपको सुनेंगे। 10,000 सस्ता हो गया ऑफ द डीजल वेरिएंट, पेट्रोल वाले में 9,000 महंगा हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आप डीजल वाला ज़्यादा प्रेफरेंस ले पाओगे, क्योंकि डीजल 13.60 और पेट्रोल आपको मिल जाता है 12.09, तो 1.5 लाख का फर्क आपको मिल जाता है। नॉट लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स, 8 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ, रियर कैमरा, डायनामिक गाइडलाइन साथ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं, रूफ रेल्स भी मिल जाएंगे आपको, जिसकी वजह से उसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। 16 इंचज़ की व्हील विद कवर तो हैं ही, फॉग लैंप्स इस वेरिएंट में ऐड हो जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस वेरिएंट में ऐड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM जिसमें ऐड हो जाते हैं, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स के साथ साथ 6 स्पीकर सिस्टम और ब्लूटूथ कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको इस HTK वेरिएंट में मिलता है। अच्छी चीज़ ये कि इसमें सारे कलर ऑप्शंस हैं, व्हाइट, सिल्वर, ग्रे, रेड, ब्लू, ऑलिव और ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। प्राइसिंग मेरे हिसाब से सही है HTK वेरिएंट के, पेट्रोल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा एज कम्पेयर टू द डीजल वेरिएंट। बात करते हैं अगले वेरिएंट की, HTK प्लस। फीचर्स आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे वीडियो पर लंबी हो जाएगी, एक एक बताऊँगा और अपना ओपिनियन दे देता हूँ। स्मार्ट की पुश बटन स्टार्ट, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स, ऐसे फंक्शन मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल है और साउंड मून लाइटिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल आपको मिल जाते हैं ORVM, रियर डिफॉगर, वाइपर वॉशर भी मिलता है और इसमें ग्लेशियर व्हाइट कलर ऐड हो जाता है व्हाइट के प्रीमियम में। प्राइस डिफरेंस पेट्रोल में थोड़ा ज़्यादा आया है, 39,000 रुपीज़ में प्राइस का डिफरेंस है, ज़्यादा प्राइस आई है, लेकिन अगर हम डीजल की बात करें तो 30,000 सस्ता हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। HTK प्लस IMT लेना चाहोगे तो 15 लाख एक्स शोरूम का पड़ेगा आपको, पेट्रोल में लोगे तो 13.5 लाख का पड़ता है, ये दोनों का गैप 1.5 लाख ही है। अगर देखिए गैप वाइज तो ज़्यादा आपको मतलब यू नो बाकी वेरिएंट्स के हिसाब से डिफरेंस ही मिलेगा, बट प्राइस इंक्रीमेंटेशन की बात आ जाती है तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मेरे को पेट्रोल इसमें लगा है, चाहे प्राइस उसकी बड़ी है। बात करते हैं अगले वेरिएंट HTX की, जो सबका फेवरेट है, जिसमें LED लाइट्स आ जाते हैं, वैल्यू फॉर मनी पूरा रहता है। इसमें सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, चाहे आप लेते हो पेट्रोल,
चाहे आप लेते हो इसमें डीजल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक, आपको दोनों मिल जाते हैं 1.5 वाले ही। प्राइस का डिफरेंस में अगर हम बात करें तो सारी प्राइस लिस्ट आपके लिए यहाँ पर फिर से लगाते हैं, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। कुछ वेरिएंट्स नए ऐड हुए हैं तो उसका प्राइस डिफरेंस नहीं है, वैसे चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंगली एसटीएक्स प्लस आईएमटी डीजल एक ऐसे जिसकी प्राइस 70,000 बढ़ी है, बाकी की प्राइस में ज़्यादा इंक्रीमेंटेशन नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ इसमें मिल जाती है, एलईडी टेल लैंप्स है, 17 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं, 10.25 इंच की टच स्क्रीन किया कनेक्टेड, ड्यूल जोन एसी, एंबिएंट लाइटिंग, लेदर इट कंसोल आपको मिल जाएगा मेटल स्क्रफ प्लेट के साथ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग और 60-40 रेशियो के साथ, पैडल शिफ्टर्स ऑटोमेटिक में, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब आपको इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। एसटीएक्स प्लस की बात करें तो उसमें भी प्राइस आपके सामने मैं लिख देता हूं और फीचर्स की लिस्ट लगा देता हूं। इसमें मुझे पेट्रोल टर्बो वाला आईएमटी ज्यादा सही लगा है। अगर अगले की बात करें हम, फिर आया था GTX प्लस, ये भी एक बहुत अच्छा वेरिएंट है, प्राइसिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सही आई है। 7 DCT और 6 SPEED टॉक कन्वर्टर इसमें अवेलेबल है, ऑल ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर का मिक्सचर आ जाता है, 18 इंचेस के बड़े व्हील्स आ जाएंगे, 8S फीचर्स इसमें मिलने शुरू हो जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ड्यूल एग्जॉस्ट भी है, GT लाइन का एक्सक्लूसिव फ्रंट एंड रियर बंपर किट, आपको स्पोर्टी अलॉय पैडल्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फंक्शन मिलेंगे। और बाकी एक्स लाइन उसके प्राइजेस यहाँ लिख देते, उसमें हेड्सअप डिस्प्ले और ब्लैक अलॉयज हो जाते हैं और एक नया कलर जो है वो आ जाता है और इंटीरियर में आ जाता है आपको सेज ग्रीन कलर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्राइसिंग है। मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट तो कमाल का है, पेट्रोल और डीजल लो दोनों ऑसम, मिडल वेरिएंट एचटीएक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर वहाँ तक बजट जा ही रहा है तो एक बार कोशिश करो तो GTX प्लस या एक्स लाइन की तरफ जाना प्रेफर करो। कैसी लग रही है आपको इसकी प्राइसिंग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो ड्राइव ओपिनियन है, ड्राइव रिव्यू है, वो बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगा विद कंपैरिजन, विद माइलेज एंड सब कुछ उसमें डिस्कस किया गया। प्राइसिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से अच्छा ये है कि इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं है, कईयों में तो प्राइस कम हुआ है। ये सारे वेरियंट्स HTE, HTK, HTX और GTX प्लस मेरा फेवरेट है। HTK प्लस और HTX प्लस को मैं अवॉइड करने की सलाह आपको देना चाहूँगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द Kia Seltos प्राइस। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।